का नाम की महिमा हो मन्ना टीवी यूट्यूब चैनल के जरिए परमेश्वर का वचनों को सुनने वाला देखने वाले हरेक विश्वासी गणों को को मेरा जय मसीह की विशेष करते हुए तीसरा लॉकडाउन में हम आप पहुंचे हैं और इस लॉकडाउन के समयों में आप प्रार्थना पूर्वक अपने घरों में बैठकर परमेश्वर की महिमा करते हैं लेकिन कोविड 19 एक एक दिन बीतने पर भयानक रूप ले रही है और रोगियों का गिनती मरने वालों का गिनती बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। अगर वैक्सीन नहीं बनाया कंट्रोल नहीं कर पाया है तो आगे के दिनों में बहुत तेरे लोग मर सकते हैं उसके साथ साथ भूखमरी का भी समाचार हम डेली सुनते हैं कई लोग इधर उधर मर रहे हैं भूखमरी से प्रिय भाइयों बहनों परमेश्वर का वचन के अनुसार हम प्रभु के लोगों का क्या सेवा है इस समय में विशेष करके भूखमरी से बहुत तेरे लोग मरने की स्थिति में है और विश्वासीगण के पास जो पहले कुछ कुछ पैसा था वो भी खत्म होते जा रहे हैं बाइबल के अनुसार हमारा क्या सेवा है इस विषय के बारे में मैं आज आप लोगों से बातें करना चाहता हूं इसके लिए गलातियों की पत्री उसका अध्याय नव एवं दसवा वचन से हम परमेश्वर का वचन शुरुआत में मनन करेंगे वहां पर लिखा है हम भले काम करने में सागस ना छोड़े क्योंकि यदि दी हम डीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ प्रभु का धन्यवाद हो इस कोरोना के समय में प्रिय भाइयों बहनों हमारे पास जो है जो विश्वासियों में जिनके पास धन है दूसरों को मदद करने के लिए जो परमेश्वर ने पहले से आपको शक्ति दिया है ऐसा प्रिय लोग अपने आस पड़ोस अपने परिजय के लोग और सह विश्वासी हो सकेगा तो विश्वासी भाइयों के साथ करके बाइबल में लिखा है इसलिए प्यार भाइयों बहनों इन दिनों में आप इस लॉकडाउन के समय में जो योग्य परिवार है जिनके पास भोजन वस्तु नहीं ने तो भोजन वस्तु खरीदने के लिए पैसा नहीं है उनको आप अपना शक्ति के अनुसार मदद करना बहुत जरूरी है ताकि परमेश्वर आपको इस कार्यों को सौंपा है केवल विश्वासी लोगों को नहीं आपके आस पड़ोस आपके गांव के नगर के न तो परिजय के न तो ऐसा कोई योग्य व्यक्ति हो उनके पास आप जाकर स्वयं दे सकते हैं ने तो दूसरे के द्वारा आप उन तक सामानों को पहुंचा सकते हैं पैसा दे सकते हैं ये काम आपको करना है ताकि परमेश्वर का वचन कहता है भले काम हमको हमेशा करना है भले काम हम पहले विश्वासियों के साथ और अन्य जातियों का भाइयों के साथ भी हमको करना चाहिए वचन में जहां कहीं भी आप देखते हैं आपको ये मिलेगा अगर इस अवसर पर हम ये भले काम करेंगे जरूर सोचेंगे मसीह का प्रेम, आप का प्रेम आप को देखेंगे। जरूर के बाद आप अगर उनका मदद इस कष्ट के वेला में करेंगे जरूर लॉकडाउन के बाद वो प्रिय लोग कलिशिया में आकर परमेश्वर की महिमा करेंगे इसी प्रकार आप कई आत्माओं को आपका नाश होने वाला धन से आप सेवा करके प्रभु के पास बहुत तेरे कीमती आत्माओं को ला सकते हैं मैं आपको ले जाना चाहता हूं आपको मालूम है, हमारे प्रभु का वचन में हम लोग देखते हैं अकाल के समय में अद्भुत रीति से अगर हम इसी प्रकार भलाई करेगा तो परमेश्वर हमारा भी सहायता करेगा हमारा भी बच्चे हैं हमारे पीछे भी एक बहुत बड़ी पीढ़ी है हमारे कलिसिया के लोग हैं जरूर परमेश्वर अकाल के समय में ये लॉकडाउन के समय में दूसरों को मदद करने के कारण हमें भी बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष देगा आप जानता है एलिया के बारे में अकाल के समय में एलिया को परमेश्वर किरीत नाले के पास ले गया वहां पर कौआ के द्वारा परमेश्वर एलिया का पालन पोषण किया वहां पर खरीद के नाले का पानी सूखने के बाद परमेश्वर सारे फाद का विधवा के पास उनको ले गया करके परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं पर वो परमेश्वर उनको नियुक्त किए थे प्रभु का दास का पालन पोषण करने के लिए भले वो गरीब परिवार के थे एक रोटी बनाने का आटा तेल थे लेकिन परमेश्वर उस विधवा का प्रेम को और उनका त्याग को पहले प्रभु का दास को एक छोटा सा रोटी बनाकर दे दिया वो घर कैसे आशीष हुआ है आप जानते हैं आपको मालूम है साढ़े तीन साल पानी नहीं गिरा उसका मतलब किरीत का समय से लेकर करमेल पहाड़ का जो एलिया का प्रार्थना तक साढ़े तीन साल ये लिया लॉकडाउन में था उसका मतलब 1260 दिन तक आज हमारा क्या है तीन बार चौदह 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 टू डे बयालीस दिन हम अभी तक लॉकडाउन में अगला जो मई सत्रह तक अगर देखा जाएगा तो बयालीस दिन उसका पहले तीन दिन और हम बैठे थे वो पैंतालीस दिन लेकिन आज कस्तिक को देखते हुए हम विश्वास नहीं कर सकते परमेश्वर ही कर सकता है जून जुलाई तक आगे भी सितंबर तक ये बढ़ सकते हैं इसलिए इसका पीछे आपको प्रार्थना करना होगा नाश होने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना है कलिशिया मन फिरा कर वापस आने के लिए लोग मन फिराकर वापस आने के लिए आपको प्रार्थना करना है साथ साथ आप उनका मदद भी करना चाहिए वो तो यहां पर एलिया को कई समयों में परमेश्वर सहाय रखी है जो जाऊ का, का, जा, का पेड़ पेड़ के नीचे इज से डरते हुए हमारे एलिया जाऊ का पेड़ के नीचे जो लेटने का समय मुझे मरना है मेरे पूर्वजों से मैं अच्छा नहीं हूं लेकिन उसी समय थका हुआ अवस्था में रहने वाले एलिया के पास स्वर्ग दूधो को स्वर्ग दूध को भेज कर, दो टाइम भोजन दिया करके हम देखते हैं प्रिय भाइयों बहनों वो दो टाइम का भोजन का कर, हो रेव तक एलिया दौड़ा करके हम देखते हैं फिर अगला कई दिनों तक एलिया को भोजन नहीं मिला है मैं आपको बताना चाहता हूं आज इस लॉकडाउन के समय में किस रीति से बाइबल के अनुसार आप विश्वासी गणों को जो अन्य जातियों में योग्य लोगों को किस रीति से आपका धन आप खर्च कर सकते हैं उनका प्यार उनका प्रार्थना आपके लिए सहायता करेगा और स्वर्ग का परमेश्वर वचन के अनुसार आपको आशीर्य देंगे यहाँ पर मैं आपको मत्ती चौदह अध्याय में ले जाना चाहता हूँ मत्ती चौदह अध्याय में बहुत बेहतरीन एक विषय जो पांच रोटी दो मछली का विषय आप जानते हैं उस विषय को मैं वर्णन करना चाहता हूं मत्ती अध्याय का तेरा वचन से जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ को भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया जब सांझ हुई तो उसके चेले ने चेलों ने उसके पास आकर कहा ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन ले मोल ले पर यीशु ने उनसे कहा उनका जाना अवश्य नहीं तुम ही खाने को दो उन्होंने उससे कहा यहां हमारे पास पांच रोटी और दो मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है उसने कहा उनको यहां पर मेरे पास ले आओ तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन पांच रोटियों और दो मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर छेलो को दी और छेलो ने लोगों को जब सब खाकर तृप्त हो गए तो छेलों ने बचे हुए रोटियों से भरी हुई बारह टुकड़िया उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर पांच हजार पुरुषों के लगभग थे प्रिय भाइयों बहनों ये सुंदर वचन के पाठ आप कई बार पड़े हैं फिर से और एक बार पवित्र आत्मा इस विषय को बताने के लिए मुझे बता रहा है यहां पर हम देखते हैं प्रिय भाइयों बहनों वो बालक जो है मैं अनुमान करता हूं उनका मम्मी उनका मां जब यीशु के वचन को सुनने के लिए यह बालक अपने घर से निकला नहीं तो हो सकता है इनका मां भी उनके संग होंगे लेकिन प्रिय भाइयों बहनों जब से सुबह से अगर ये मीटिंग शुरू हुआ नहीं तो 11 बजे से दोपहर से शुरू हुआ सांझ तक प्रिय भाइयों बहनों वहां से कोई हिला नहीं और वचनों को बड़े प्यार से गहराई से ईशु का मधुर वाणियों को सुनते सुनते सांझ समय हो गया सांझ तक हो गया लेकिन लोग जो है भूख लग रहे करके वहां से उठ के नहीं गया लेकिन लोग लोग नहीं चेले लोग पहले ईशु मसीह के सामने कंप्लेन पहुंचाए देखो अभी क्या हो गया जब सांझ हुई है चेलों ने उसके पास आकर कहा यह सुनसान जगह है और देर हो रही है लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले कहने के मतलब प्रजार बंद कर ईशु, यह सुनसान जगह है वो बस्तियों में जाकर भोजन को मोल लेने पाए उसका मतलब यीशु मसीह को कुछ भी नहीं मालूम कहने के मतलब कई बार हमारे घरों में कई मेहमान आएगा तो घर वालों को हम बोलेंगे चाय बनाओ और इनको कुछ खिलाओ वास्तव में उनके लिए नहीं उनको देने से इनको भी खाने का मौका मिलेगा यहां पर विश्वासी जितने लोग वहां पर बैठे थे यीशु का वचन में मगन हो गया यीशु मसीह भी वचन सुनाने में मगन हो गया है लेकिन चेलों को मन नहीं लगा वो यीशु के पास आकर कहा अब बंद किए जाए मीटिंग अभी बस्तियों में इनको भेजे भोजन के लिए आप जानते हैं मसीह हमेशा जब मीटिंग के बाद सेवा के बाद कभी कभी वो पहाड़ के ऊपर में जाते थे प्रेयर करते थे लेकिन चेले वैसा काम नहीं करते थे इनको समय समय पर खाना चाहिए वो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बालक जो है वो पांच रोटी दो मछली जो उनका माँ उनके हाथों में दे दिया वो नहीं खाया वो छेलों के हाथों में दे दिया है चेले लोग कह रहा है पांच रोटी दो मछली के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन यीशु कह रहा है उसको मेरे पास लाओ यीशु प्रार्थना किया रोटियों को तोड़कर प्रार्थना किया और विश्वास से कहा लोगों को पंथी पंथी बैठाए और चेले लोगों के हाथों में दे दिया वो लोगों को बांटना शुरू किया है परोसना शुरू किया है यहां पर बालक जो है परमेश्वर को पांच रोटी दो मछली दे दिया लेकिन वहां पर आखिरी में लिखा है खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर पांच हजार पुरुषों के लगभग थे वो पांच हजार जो पुरुष वहां पर रोटी खाया आप जानते हैं हर चर्चों में स्त्रियों का गिनती ज्यादा है पुरुषों का गिनती कम है अगर पांच पुरुष है तो पंद्रह लेडीज वहां पर जरूर होंगे दस और आ, दस नहीं तो पंद्रह बच्चे होंगे अगर इसी प्लानिंग में है तो आप सोच के देखो पांच हजार पुरुष थे खाने वालों में और पंद्रह हजार लेडीज थे बीस हो गया और उसके बाद अगर दस हजार बच्चे को भी अगर पांच हजार बच्चों को भी आप गिनती करेगा तो पच्चीस से तीस हजार लोग तक ईशु मसीह का मधुर वाणी सुनने के लिए वहां था क्या था इनके पास वो बालक का पांच रोटी दो मछली लेकिन करीब पच्चीस से तीस हजार लोगों को ये खिलाया करके हम देखते हैं प्रिय भाइयों बहनों इस लॉकडाउन के समय में आपको आपका बच्चों को खाना खिलाने में प्रभु सामर्थ्य है आपको विश्वास होना चाहिए लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा पाठ हमको मिला लेकिन एक और बात आपको समझ में नहीं आया होगा ये बारह टोकरी कैसे बच गया बांटने के समय बारह टोकरी बचा नहीं हालिया यह बात आपको गहराई से समझना चाहिए यहूदियों में एक नियम है वो नियम मैं आपको वचन सहित आपको समझाऊंगा वो नियम यही है भोजन ग्रहण करने के पहले अर्थात भोजन को जूठा करने के पहले यहूदियों का नियम के अनुसार अगर सात रोटी खा रहे तो कम से कम एक दो रोटी अलग करके रखना जरूरी है बहुत तेरे यहूदी मिलने वाला पूरा खाना खाते हैं कुछ भी बचाते नहीं लेकिन कई यहूदी कई रोटियों को अलग करके रखा तो मेरा कहने के मतलब आज भी कई लोग सोचते हैं धन का दशमांश देना है नहीं धन का देना है लेकिन आपका भाड़ी में कुछ भी जो है सब्जी हो और कुछ भी हो उसका पहला फल प्रभु को देना है और वचन के अनुसार आप खाने वाला रोटी में से भी आपको गरीबों को देना जरूरी है और उपवास करने का समय भी हमें जो खाना हम नहीं खाएंगे उपवास के समयों में वो गरीबों को देना जरूरी है तो मेरा कहने के मतलब मैं आयुब के पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 20 पद से मैं आपको बताना चाहता हूं आयुब उसका 20 अध्याय का 20 वचन से लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी इसलिए वह अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा ना सीखेगा कोई वस्तु उसका कौर बिना हुए ना बचती थी इसलिए उसका कुशल बना ना रहेगा पूरी संपत्ति रहते हुए भी वह सकेती में पड़ेगा तब सब दुखियों के साथ उस पर उठेंगे ऐसा ना हो कि उसका पेट भरने के लिए परमेश्वर का क्रोध उस पर भटकाएगा और रोटी खाने के समय वह उस पर पड़ेगा कहने के मतलब यहूदियों का नियम था कह रहा है कई लोग भोजन जो खाते हैं वो पूरा खा लेते हैं गरीबों को याद नहीं करते लेकिन जो वचन को मानने वाला यहूदी केवल यहूदियों के लिए नहीं ये हमारे लिए भी है ताकि अयुब का पुस्तक हम भी मानते हैं वो कई लोग जो है अपना भोजन पूरी तौर से खा लेते हैं हो सकता है रोटी खाने के समय अटैक आएगा नहीं तो कई बीमारी आएगी कहने के मतलब जो भूखा है उनके ऊपर में ध्यान नहीं है प्रिय भाइयों बहनों भारत वर्ष में बहुत तेरे पास्ट लोग अभी भूखा है कई पास्ट लोग भूखा है कई परिवारों में खाना नहीं है ताकि कलिसिया बंद है कई परिवार कई जो कलीसिया का पास्टर साधारण पास्टर है उनका विश्वासी भी साधारण परिवार वाले हैं, उनका मजदूरी बंद है वो अपना परिवार को भी देखना है अपना पास्टर का परिवार को भी देखना है लेकिन उनके पास अपना परिवार को देखने के लिए कुछ नहीं है ऐसा है तो पास्टर का परिवार को कैसे देखेंगे कई पास्टर लोग मुझसे भी पिछले दिनों में बातें किया है मेरे शक्ति के अनुसार मैं उनको दिया है तो मेरा कहने के मतलब प्रिय भाइयों बहनों इस लॉकडाउन के समय में मैं आपसे विनती करता हूं आपके पास पैसा है तो पैसा है आपके पास आपको खाने के लिए पैसा है एक्स्ट्रा पैसा भी है उनमें से कुछ पैसा आप उन जो बुक मरी से नहीं तो आ, जो आपका सहविश्वासी है नहीं तो कोई पास्टर है उनको बुलाकर नहीं तो उनके पास जाकर कैसे भी आप उनका मदद करिए वो जरूर आपके लिए प्रार्थना करेगा जरूर आपका परिवार को परमेश्वर इस लॉकडाउन के समय में आने वाले दिनों में संभालेगा वो यहां पर हम देखते हैं प्रभु कह रहा है लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी इसलिए वह अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा ना रखेगा पूरा खा लेगा पूरा किसी को ना देखते हुए नहीं तो छुपा कर रखेंगे ये बातों को छोड़कर इस लॉकडाउन के समय में हो सकेगा तो सह विश्वासियों को भी भलाई करना मदद करना करके हम गलातियों में पड़े हैं मैं आपको बताना चाहता हूं उसके ऊपर में हम देखते हैं जो आपको वचन सिखाते हैं वही पासवानों को भी आपका हाल लिया पास जो है इस समय में आप देने का कष्ट करें अगर कोई परिवार जो विश्वासी है कोई चर्च में जाते हैं आपका पास्टर है अपना पास्टर को याद करिए फोन करिए उनको बुलाओ नहीं तो आप उनके पास जाओ और जरूर उनके लिए भोजन वस्तु के लिए धन दे ताकि वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है वो आपका सेवा के लिए परमेश्वर नियुक्त किया है वो तो यहां पर कई बातों को हमको इस वचनों के बारे में हमको पता चला तो एक बात आपको पता चला वो बारह हजार जो बारह टोकरी जो बचा कर रखा जो उस झुंड में करीब 25 तीस हजार लोगों में कुछ जो यहूदी पूरी तौर से उस नियम को फॉलो करने वाला है वो भोजन खाने के पहले उसको जूटा करने के पहले उसको उठाकर चेलों को दिए होंगे वो है बारह टोकरी रोटी और मछली भी होंगे वो तो मेरा कहने के मतलब बारह चेले थे वहां पर शुभ बारह चेलों को एक एक टोकरी दे दिया बाकी लोग भेड़ भर के खाना खा लिया कितना खाएंगे इतना खाएंगे लेकिन ज्यादा भूख लग रहे करके कंप्लेन बोलने के लिए जो आया था बारह चेले उनको बारह टोकरी दे दिया। तुम ये पेड़ भर कर खाओ अपने लिए कुछ भी रखा नहीं है वो कई बातों को इन वचनों से हमको समझ में आ रहा है इसलिए इस लॉकडाउन के समय में उस बालक का जैसे अगर दिल आपके पास है आप उस रोटी को हाल जरूर जरूरतमंद वालों को दे देंगे इस वचनों के द्वारा आप उन कार्यो को करिए इसी प्रकार पुराने नियम में दूसरा राजा में हम सेम पोजीशन देख रहे हैं एलिशा के समय में था दूसरा राजा चार अध्याय में है वो वहां पर हम देखते हैं चार का बयालीस से लेकर चौवालीस तक हम पढ़ेंगे दूसरा राजा कोई मनीष बाल शालिशा से पहले उपजे हुए जो कि बीस रोटियां और अपनी बोरी में हरी बाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया तो एलिज़ा ने कहा उन लोगों को खाने के लिए दे उसके टहलुए ने कहा क्या मैं सौ मनुष्यों के सामने इतना ही रख उसने कहा लोगों को दे दे कि खाए कि उनकी यहो कहता है उनके खाने के बाद कुछ बचा भी बच भी जाएगा तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया आपको अभी कंडीशन पता चला जो अयुब ने हमको बताया था जो बचाने वाला सिस्टम वो पुराने नियम के समयों में ये बचाने वाला नियम था लेकिन नया नियम में भी प्रभु मसीह वही काम हमसे करवाया नहीं तो ये खुद ही लोग उस कार्यों को करते थे मेरा कहने के मतलब प्रिय भाइयों बहनों परमेश्वर का वचन के अनुसार हम अम हमारे सामने आने वाला ये भोजन को पूरा नहीं खा सकते उनमें से दीन दुखियों को हम भोजन देना जरूरी है कहने के मतलब इस लॉकडाउन के समय में आप मस्त मांसाहारी और सब्जियां सब बना के खा रहे हैं लेकिन कई ऐसे लोग हैं प्रिय भाइयों बहनों परेशान है प्रिय भाइयों परमेश्वर का वचनों के अनुसार उसका तिरालीस में लिखा है उसके टहलुए ने कहा क्या मैं सौ मनुष्यों के सामने इतना ही रख दू प्रिय भाइयों बहनों जैसे हम थोड़ी देर के पहले चेले लोगों का पूछ उसका मतलब उनका पूछने का तात्पर्य यही था क्या पांच रोटी दो मछली से हम इतने ज्यादे लोगों को कैसे बांटेंगे सेम बात एलिशा से भी उनके चेले पूछे लेकिन विश्वास से भरा हुआ यीशु ने उस समय कहा लोगों को पंदी पंदी बैठा दे यहां पर एलिशा भी कह रहा है उसने कहा लोगों को दे दे खाए कि खाए क्योंकि यहोवा यो कहता है उनके खाने के बाद कुछ बज भी जाएगा वास्तव में वैसा ही हुआ करके परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं इसलिए लॉकडाउन के समय में अविश्वासी होकर मैं क्या खाएंगे मेरे पैसा भी खत्म होने जा रहे ये कोरोना कब खत्म होगा ये मत बोलो ये परमेश्वर का योजना के अनुसार परमेश्वर जो है छुट दे दिया परमेश्वर लोगों का पापों को देखकर धग गया है इसीलिए लोगों को सिखाने के लिए दुनिया के लोगों को सिखाने के लिए परमेश्वर यह अनुमति दिया है इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों इस समय हमारा सब्जेक्ट जो है इस लॉकडाउन के समय में आप अपना धन संपत्ति जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपके लिए भी है साथ साथ उनमें से कुछ हिस्सा दूसरे लोगों के लिए भी है आप उसको पूरा पकड़कर मत रखो जो लोगों का है आपके हाथ में वो लोगों को दे दे जरूर परमेश्वर एक भरपूरी आशीष आपको देंगे हाल वो यहां पर हम लूका में एक वचन देखते हैं लूका ग्यारह अध्याय में बहुत सुंदर वचन है लूका ग्यारह अध्याय उसका पांच से लेकर नौ तक जब हम पढ़ने का समय तब उसने उनसे कहा तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे हे मित्र मुझे तीन रोटियां दे क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और वह फितर से उतर दे मुझे दुख ना दे अब तो दौर बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकते दे नहीं सकता मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसका उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ढूंढो तो तुम पाओगे कटकटाओ तो तुम तुम्हारे लिए खोला जाएगा प्रिय भाइयों बहनों एक मित्र उनका घर में रात में आया है उनके पास कुछ भी नहीं उनको देने के लिए देने का मन है लेकिन देने के लिए कुछ नहीं लेकिन मित्र दूरी से थककर आए हैं उनको भोजन वस्तु देना इनका काम है लेकिन